नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी और अमित शाह पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कांग्रेस ने दायर की थी याचिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को इस बात की जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी द्वारा दायर की गई अर्जी मंजूर करते हुए 30 अप्रैल के लिए सुनवाई का डेट दिया था। चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आज पीएम मोदी और अमित शाह को तलब किया है। याचिका में सुष्मिता ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहा है। कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया जाए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी नेताओं के भाषण में सेनाओं के जिक्र को लेकर कुछ दिन पहले विपक्षी नेताओं ने आयोग से शिकायत की थी। TMC के 40 विधायक मेरे संपर्क में पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण के लिए 9 राज्य की 71 लोकसभा सीट पर आज मतदान शुरू है। दोपहर 3 बजे तक 49.53% मतदान हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 66.1 वोटिंग हुए हैं। मौजूदा समय में देश में चुनावी माहौल गर्म है। सत्ता पार्टी को पश्चिम बंगाल से बहुत उम्मीद है। ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई भाजपा बड़े नेताओं ने यहां कई रैलियां भी की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सेरमपोर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि 23 मई को चुनाव परिणामों के घोषणा के बाद चारों तरफ कमल खिलेगा। पीएम ने इसके साथ ही कहा, नतीजे के बाद ममता बनर्जी को उनके विधायक भी छोड़कर चले जाएंगे। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर भाग जाएंगे। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गर्मी के कारण पुतले से करवाया रोड शो। लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सोशल मीडिया पर नेताओं के चुनाव प्रचार के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हरबन से मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नहीं भी। यह वायरल वीडियो अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में प्रचार से जुड़ा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि खुली जीप वाली गाड़ी से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन उस पर खुद अभिषेक बनर्जी नहीं बल्कि उनका पुतला सवार है, जो देखने में बिल्कुल अभिषेक बनर्जी जैसा लग रहा है। सोशल मीडिया पर आई इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि गेंदा का फूल मालों से लदा हुआ अभिषेक बनर्जी का पुतला जीप पर खड़ा है। चारों ओर उनके समर्थक बनर्जी के समर्थ में नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो को राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने भी शेयर किया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।